फ्रेंड्स, वेलकम टू एसवाई एकेडमी। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने चाह रहे हैं एमसीक्यूज ऑन रामसार साइट्स। तो रामसार साइट्स पे एमसीक्यूज स्टेट पीसीएस हो या यूपीएससी हो, उसमें काफी बार पूछ लिए जाते हैं और काफी कंफ्यूजन भी रहता है। तो हम बिगिन करते हैं एमसीक्यूज। टोटल 12 एमसीक्यूज हैं। आप कमेंट सेक्शन में लिखना कि आपका स्कोर कैसा रहा। तो सबसे पहले देखते हैं कि सिंपल सा एमसीक्यू जो काफी बार हम सोचते ही नहीं है कि ये भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है कि रामसार इज लोकेटेड एट। चार ऑप्शन दे रखे हैं, ए इराक, बी ईरान, सी जापान, डी नीदरलैंड्स। तो कभी भी कोई आप कन्वेंशन पढ़े, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल हो गया या कॉपनहेगन हो गया या कार्टिजेना हो गया, तो सबसे पहले तो आपको ये देख लेना चाहिए कि ये साइट आखिर है कहां पर लोकेटेड। तो इसका आंसर फ्रेंड्स सोचिए आप कहां पर होगा। इसका आंसर फ्रेंड्स है ईरान। तो काफी बार ये कंफ्यूजन लगता है कि रामसार कहां पर लोकेटेड है, सोचते ही नहीं है। अगर कभी किसी ने पढ़ा नहीं है तो ये कंफ्यूजन हो सकता है। कैस्पियन सी के पास लोकेटेड है रामसार। तो इसका आंसर है रामसार का आंसर है ईरान। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, रामसार कन्वेंशन वाज साइंड इन ईयर। तो हमेशा आप ध्यान रखना कि साइंड और रेटिफाइड अलग अलग चीजें होती है। साइन का मतलब ये होता है कि रामसार जगह पर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स मिले या हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस मिले या हेड ऑफ आप कह सकते हैं कि स्टेट्स मिले, वहां पर उन्होंने साइन करा रामसार कन्वेंशन। इसका मतलब ये है क्वेश्चन में। तो अगर जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि लेट्स से सारे कंट्रीज के लोग या मिनिस्टर्स एक जगह जाके मिल रहे हैं और कुछ साइन कर रहे हैं, तो वो साइन हुआ। फिर रेटिफाइड क्या होता है कि हर कंट्री के पार्लियामेंट को पास करना होता है। हर कंट्री के डिफरेंट लॉज है, किसी किसी में प्रेसिडेंट साइन कर देता है तो उससे हो जाता है, किसी किसी में पार्लियामेंट को साइन करना पड़ता है। जैसे इंडिया में पार्लियामेंट को रेटिफाई करना पड़ता है तभी वो माना जाता है कि इंडिया ने एक्सेप्ट करा है उस कन्वेंशन को। तो साइन करने से कुछ नहीं होता। मे बी ऐसा हो सकता है जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर रामसार जाके, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, रामसार जाके साइन कर दिया। तो साइन करने का मतलब है कि इंडिया ने एक्सेप्ट कर लिया कि हम साइन ठीक है, हम इसे एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन इंडिया स्टिल लीगली पार्टी नहीं बनेगा। लीगली पार्टी तब बनेगा जब इंडिया का पार्लियामेंट उसे साइन करेगा। तो वो होता है रेटिफिकेशन। आई होप ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। रेटिफिकेशन और साइन करना अलग अलग चीजें हैं। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है साइन कब करा रामसार कन्वेंशन। और चार ऑप्शन दे रखे हैं, या ए 1971, बी 1975, सी 1992, डी 1972। तो आपको पता होगा 1992 में काफी कुछ चीजें हुई थी। कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी हुआ था, उसके बाद आपको यूएन ट्रिपल एफ सी का भी काफी कुछ हुआ था साइन। रियो डी जनारियो में जो मीटिंग हुई थी, तो रियो प्लस 20 कहा जाता है, राइट। अगर 1992 में रियो हुआ था और उसके हिसाब से रियो प्लस ईयर्स आप बढ़ा लें। लेकिन फ्रेंड्स इसका आंसर रामसार कन्वेंशन पूछा है कि रामसार कन्वेंशन साइन कब हुई, तो इसका आंसर फ्रेंड्स है ए। लेकिन रेटिफाइड जो हुई थी रामसार कन्वेंशन, ये हुई थी 1975 में। रेटिफाइड 1975 में, साइन 1971 में। रेटिफाइड आपसे कोई नहीं पूछेगा, साइन कब हुई है ये पूछेंगे। तो इसका आंसर है 1971। तो कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स नोन एज रामसार कन्वेंशन इज एन इंटर गवर्नमेंटल एनवायरमेंटल ट्रीटी एस्टेब्लिश्ड इन 1971 बाय यूनेस्को। तो यूनेस्को आप याद रखेंगे, साथ साथ आप याद रखेंगे कि कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स जो है वही है रामसार कन्वेंशन, और ये 1975 में फोर्स में आ गई थी। क्यों? क्योंकि लिमिटेड नंबर ऑफ कंट्रीज होते हैं, कभी वन थर्ड होते हैं कभी टू थर्ड होते हैं, वो अगर साइन करते तो रेटिफाइड मानी जाती है। तो साथ साथ जो जो फ्रेंड्स रामसार कन्वेंशन के बारे में पहली बार सुन रहे हैं, तो उनको मैं बता दूं ये कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स है। वेटलैंड्स क्या है ये सेपरेटली ही एक टॉपिक है आप, लेकिन मान सकते हैं कि पानी जहां पर होता है, सिंपल लैंग्वेज में जहां पर पानी प्रेजेंट है लिमिटेड अमाउंट में, एक कुछ कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस सर्टेनली वहां पर है, उस जगह को वेटलैंड कहा जाता है। तो पानी जो है वो फ्रेश वाटर भी हो सकता है, सलाइन वाटर भी हो सकता है, मिक्स भी हो सकता है, लिमिटेड नंबर ऑफ वाटर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ओशियन को भी वेटलैंड कहा जाता है, लेक्स को वेटलैंड जैसे कहा जाता है, लेकिन रामसार साइट्स लिमिटेड है, ठीक है। उसके बाद यहां पर क्या दे रखा है, इट प्रोवाइड्स फॉर नेशनल एक्शन एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन रिगार्डिंग द कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स एंड वाइस सस्टेनेबल यूज ऑफ देयर रिसोर्सेज। तो वाइस सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज, ये वर्ड आप याद रखना, कभी कभी पूछ सकते हैं कि वाई सस्टेनेबल यूज किस कन्वेंशन में है, तो उसका आंसर रामसार कन्वेंशन होगा। साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ साइट्स ही रामसार साइट्स में है। तो अगर मैं आपको एक सिंपल ग्राफ में बताना चाहूं तो वेटलैंड्स तो बहुत सारे हैं, ये हो गया आर रामसार साइट, ठीक है, ये सर्कल हो गया, लेकिन वेटलैंड्स जो है वो बहुत सारे हैं।
लेकिन ऑल रामसार साइट्स आर वेटलैंड्स, बट ऑल वेटलैंड्स आर नॉट रामसार साइट्स, राइट। ये वाला पॉइंट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। वेटलैंड्स जो है वो बहुत सारे हैं, लेकिन जिनमें ज्यादा चेंजेस हो रहे हैं, जो कुछ कुछ कन्वेंशन जो डेफिनेशंस के अंदर आते हैं रामसार साइट्स के, वही वही रामसार साइट कहलाती हैं, ठीक है। ये वाला पॉइंट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि वेटलैंड्स तो बहुत सारे हैं इंडिया में, लेकिन रामसार साइट्स लिमिटेड है। कितनी है रामसार साइट्स इंडिया में, ये अभी हम एमसीक्यू के थ्रू लर्न करेंगे। क्वेश्चन नंबर आ गया ये वाला, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी रामसार साइट्स आर प्रेजेंट इन इंडिया। ये वाला क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, इस साल जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं सब में एक्सपेक्टेड है। क्यों? क्योंकि एक बढ़ गई है क्वेश्चन, और बहुत ही ऐसे ही ऑप्शंस भी ऐसे ही आएंगे, ठीक है। ऑप्शंस भी आसान नहीं आने वाले। A25, B26, C27, D28, चार ऑप्शंस आपको दे रखे हैं कि हाउ मेनी रामसार साइट्स आर प्रेजेंट इन इंडिया। तो इसका आंसर अगर आपको पता है तो 27 रामसार साइट्स है, एक न्यू एड हुई है लास्ट ईयर ही। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि 27 रामसार साइट्स है इंडिया में। विच इज द रीसेंट मोस्ट एडिशन इन द रामसार साइट्स लिस्ट ऑफ इंडिया। चार ऑप्शन दे रखे, ईस्ट कैलकटा वेटलैंड, पहला ऑप्शन बी है क्योलादियो नेशनल पार्क, सी है लोकताक लेक, डी है वेस्ट कैलकटा वेटलैंड। फ्रेंड्स जो सबसे रिसेंटली एडिड है वो है ईस्ट कैलकटा वेटलैंड, ठीक है। तो ये रिसेंटली मोस्ट एडिड है, वेस्ट बंगाल में प्रेजेंट है, ईस्ट कैलकटा वेटलैंड जो मोस्ट रिसेंट एडिशन है, 27th एडिशन है। आपसे अगर पूछा जाए कि 27th वेटलैंड रामसार साइट में कौन सा ऐड हुआ है इंडिया का, तो उसका आंसर भी ईस्ट कैलकटा वेटलैंड्स होगा। तो आई होप ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड। वन कोलेरू लेक केरल, क्या कोलेरू लेक केरल स्टेट में है। सेकेंड है अष्टामुदी वेटलैंड, क्या आंध्र प्रदेश में है। और चार ऑप्शन दे रखे, ए वन ओनली, बी टू ओनली, सी बोथ ऑफ दी अबव, डी नन ऑफ दी अबव। तो आप सोचिए इसके बारे में, ये आपको पता होना चाहिए। सारे के सारे 27 रामसार साइट्स पता होना चाहिए आपको, किस स्टेट पे लोकेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। फ्रेंड्स इसका आंसर है नन ऑफ दी अबव। एक्चुअली ये इंटरचेंज कर दिया गया है, कोलेरू जो है वो आंध्र प्रदेश में है, अष्टामुदी वेटलैंड जो है वो केरल में है, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वेटलैंड्स आर इंक्लूडेड इन रामसार लिस्ट। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि रामसार साइट्स लिमिटेड है, वेटलैंड्स ज्यादा हैं, सारे वेटलैंड जो है वो रामसार लिस्ट में नहीं है। चार ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ, चार मतलब लेक्स वेटलैंड्स दे रखे हैं यहाँ, क्या ये रामसार लिस्ट में है या नहीं, ये आपको बताना है। फर्स्ट है डल लेक, सेकंड है वुलर लेक, सी है हरिके लेक, फोर्थ है रुद्र सागर लेक। चार ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ, ए वन ओनली, बी टू एंड थ्री ओनली, सी टू एंड थ्री एंड फोर ओनली, डी ऑल ऑफ द अबव। तो जब भी आप इनको लिखें तो आप लिख दिया करिए कि किस स्टेट में प्रेजेंट है। जेके में जैसे प्रेजेंट है, जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में डल लेक प्रेजेंट है, मूवीज में भी आपने देखा होगा। अभी यूरोप का जो कन्वेंशन आया था, यूरोप के जो मिनिस्टर्स आए थे, एमपीज आए थे जम्मू कश्मीर को देखने, वो भी डल लेक विजिट करा था उन्होंने। मिशन कश्मीर में भी जो सीन आता है वो भी डल लेक का है। तो जितने भी जम्मू कश्मीर सीन आते हैं वो डल लेक में ही होते हैं, जो आप बोट की सैर कराते हैं, और डल लेक ये विंटर्स में जम जाती है। वुलर लेक ये भी जम्मू कश्मीर में है, हरिके कहाँ पर है, हरिके लेक, रुद्र सागर लेक कहाँ पर है, ठीक है। ये सोचिए आप जब भी हो तो इनके ऑप्शन सामने लिख दिया करिए, और हम बाकी एमसीक्यूज में देख लेंगे कि किस जगह पर लोकेटेड है, तो इसलिए मैं लिख नहीं रहा। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आपको बताना है कि इनमें से कौन वेटलैंड्स हैं, क्या ये वेटलैंड्स हैं चारों। तो फ्रेंड्स इसका आंसर 2, 3 एंड 4। तो आपको याद रखना है कि डल लेक जो है वो रामसार लिस्ट में नहीं आती है, जम्मू कश्मीर में प्रेजेंट है लेकिन नहीं आती, लेकिन वुलर लेक आती है, हरिके लेक आती है, रुद्र सागर लेक आती है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच। फर्स्ट वन इज अपर गंगा रिवर उत्तराखंड में है, बी संबल लेक राजस्थान, थर्ड पॉइंट कैलीमेर वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु, फोर्थ रोपर लेक पंजाब। चार ऑप्शन दे रखे, ए वन ओनली, बी फोर ओनली, सी टू एंड थ्री एंड फोर ओनली, डी ऑल ऑफ द अबव। तो सोचिए आप इसका आंसर। ये यूपीपीसीएस अगर आप दे रहे हैं तो उसके लिए अलग क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसका आंसर है फ्रेंड्स 2, 3 एंड 4 ओनली। एक्चुअली अपर गंगा रिवर जो वेटलैंड है ये उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है, ओनली वेटलैंड ऑफ उत्तर प्रदेश, ओनली वेटलैंड ऑफ यूपी इस विच इज इन रामसार लिस्ट, ठीक है। ओनली वेटलैंड ऑफ यूपी विच इज इन रामसार लिस्ट इज अपर गंगा रिवर। तो अपर गंगा रिवर से आपको लग सकता है कि गंगा रिवर जो है वो शुरू होती है उत्तराखंड से, तो मे बी उत्तराखंड हो उसका, लेकिन ऐसा नहीं है। साथ साथ आप याद रखिए कि संबर लेक राजस्थान में है, पॉइंट कैलिमर वाइल्ड लाइफ ये तमिलनाडु में है, रोपर लेक पंजाब में है, ठीक है, ये आप याद रखिए।
जब तो फॉलोइंग करेक्टली मैच आप देख रहे हैं कि स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं और आएंगे भी, क्योंकि यही ऐसे ही एमसीक्यूज पूछे जाते हैं ज्यादातर। चार ऑप्शंस दे रखे हैं, चार मतलब लेक्स दे रखे हैं या वेटलैंड्स। फर्स्ट वन इज लोकतक लेक, नागालैंड में है क्या, ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कॉमन है। सेकेंड इज नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी, क्या ये राजस्थान में है। थर्ड वन इज पोंग डैम लेक, क्या ये सिक्किम में है। फोर्थ वन इज रेणुका लेक, उत्तर प्रदेश में है। तो फोर्थ का जवाब बता पाएंगे अगर आप मेरा लेक्चर ध्यान से सुन रहे हैं तो। चार ऑप्शन दे रखे हैं, ए वन ओनली, बी नन ऑफ दी अबव, सी टू एंड थ्री एंड फोर ओनली, डी ऑल ऑफ दी अबव। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है नन ऑफ दी अबव, कोई भी आंसर इसमें से सही नहीं है। लोकतक लेक मणिपुर में है, ठीक है, जहाँ संगई डियर मिलता है, ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क भी कहते हैं। उसके बाद नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी गुजरात में है, ओनली वेटलैंड विच इज इन रामसार लिस्ट फ्रॉम गुजरात, नाल सरोवर शायद ही ओनली है, ठीक है, देखते हैं आगे चल के क्लियर हो जाएगा। सारे के सारे 27 वेटलैंड मैंने डिस्कस कर रखे हैं इन एमसीक्यूज के थ्रू, एक भी नहीं बचा है। पोंग डैम लेक और रेणुका लेक, ये दोनों की दोनों हिमाचल प्रदेश में, पोंग डैम लेक और रेणुका लेक दोनों की दोनों हिमाचल प्रदेश में है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, काफी बार ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं और मेरे हिसाब से काफी टफ है। तो विकिपीडिया पे जाके आप रामसार लिस्ट की साइट देख लीजिए उनमें और अच्छे से उन्हें पढ़िए, 5-6 बार पढ़ना पड़ेगा एटलीस्ट, तब जाके आपको थोड़ा क्लियर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फ्रेश वाटर वेटलैंड्स, फ्रेश वाटर कौन से हैं, मतलब इनमें नमक नहीं होना चाहिए पानी में, सॉल्ट वाटर नहीं होना चाहिए, सी के पास नहीं होने चाहिए। फर्स्ट वन इज लोकतक लेक, सेकेंड इज दीपोर बेल, थर्ड वन इज नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी, फोर्थ वन इज रेणुका लेक। लोकतक लेक मैंने आपको बता दिया कहां पर है, मणिपुर में। दीपोर बेल मैं आपको बता दे रहा हूँ ये असम में है। नाल सरोवर मैं आपको बता चुका हूँ कहां पर है, गुजरात में। रेणुका लेक हमने देख चुके हैं हिमाचल प्रदेश में है। तो ऐसे अब बार बार रिवाइज करते रहे तो एक बहुत अच्छा रहेगा। फिर यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, क्वेश्चन स्टेट्स के रिलेटेड नहीं है, क्वेश्चन पूछ रहा है क्या ये फ्रेश वाटर लेक्स है या नहीं। तो चार ऑप्शंस, ए वन ओनली, बी वन एंड फोर ओनली, सी ऑल ऑफ दी अबव, डी नन ऑफ दी अबव। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूंगा ये सारी की सारी फ्रेश वाटर लेक्स हैं, फ्रेश वाटर वेटलैंड्स हैं, याद रख लीजिए चारों की चारों फ्रेश वाटर, ठीक है। फिर से स्टेट्स आ गई, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच। फर्स्ट वन इज सस्थम कोटा लेक, क्या ये केरल में। सेकेंड वन इज सुसिन सुरेन सर मंसर लेक, क्या है जम्मू कश्मीर में। थर्ड वन इज शोमो रिरी, क्या है लद्दाख में है। फोर्थ वन इज कांजली वेटलैंड, क्या ये पंजाब में है। फिर हुकेरा वेटलैंड, क्या ये जम्मू कश्मीर में है। चार ऑप्शन दे रखे, ए वन एंड टू, वन टू एंड थ्री और डी, बी नन ऑफ दी अबव, सी टू थ्री एंड फोर ओनली, डी ऑल ऑफ दी अबव। तो सोचिए आप इसके बारे में। तो 5 ऑप्शन आपको दे रखे, स्टेट दे रखे, क्या इसमें से कैसे सही है आप एलिमिनेट करने की कोशिश करिए। ये पहले दो वेटलैंड जो है, एक इंटरेस्टिंग चीज जो है, जितने भी सारे वेटलैंड है ना जनरली पूछे नहीं जाते, तो ये थोड़े से ट्रिकी हो सकता है। सोमो रिरी तो काफी बार पूछ लेते हैं, पहले दो और आखिरी दो जो है वो ज्यादा पूछे नहीं जाते, तो ये मेरे हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो जनरली आईआरए एग्जाम में वो आ रहे के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये ऑल ऑफ दी अबव सारे के सारे सही है, ठीक है, डी आंसर है इसका। मतलब सस्थम कोटा लेक केरल में है, सुरेन सर मंसर लेक जम्मू कश्मीर में, शोमो रिरी लद्दाख, कंजली वेटलैंड पंजाब, हुकेरा जो है जम्मू कश्मीर में। तो साथ साथ मैं आपको ये याद दिला दूं फ्रेंड्स कि याद रखना आप कि जम्मू कश्मीर जब पहले स्टेट थी तो उसमें 4 वेटलैंड सबसे ज्यादा वेटलैंड थे, लेकिन अब डिवाइड हो गई है, जेके यूटी हो गया है, लद्दाख यूटी हो गया है, तो 3 यहाँ पे चले गए हैं, 1 यहाँ पे चला गया है। तो मे बी अब ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि हाईएस्ट वेटलैंड्स कहाँ पर है। आई होप ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। तो एक इन चीज को आप ध्यान में रख लीजिए कि कौन सी साइट किस स्टेट में लोकेटेड है, ये मेरे हिसाब से काफी ज्यादा काफी इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए फ्रेंड्स इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, सुंदरबन वेटलैंड कहां पर लोकेटेड है। और सेकंड ये आपसे पूछ रहा है कि भोज वेटलैंड, क्या ये छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है। सुंदरबन क्या वेस्ट बंगाल में है, तो ये आपसे पूछना चाह रहा है, तो इसके बारे में आप सोचिए। और चार ऑप्शन दे रखे हैं, ए वन ओनली, बी टू ओनली, सी जो है वो कौन सा है, सी बोथ ऑफ दी अबव, डी नन ऑफ दी अबव। तो फ्रेंड्स एक बार आप ऑप्शन अब देखा करें ना, तो हमेशा ये याद रखें कि ये गलती ना हो कि आपसे कभी कभी क्या होता है, नन ऑफ दी अबव सी में दे रखा होता है और बोथ ऑफ दी अबव डी में दे रखा होता है, तो वो वाली आपसे गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हम देखते हैं,
इसका आंसर है वन ओनली। तो सुंदरबन तो सबको पता है कि वेटलैंड वेस्ट बंगाल में है, लेकिन भोज वेटलैंड जो है ना वो मध्य प्रदेश में, भोपाल में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, आखिरी क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन काफी बार एग्जाम से पूछा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स आर इंक्लूडेड इन मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड। फर्स्ट वन इज चिल्का लेक, सेकंड इज क्यूलादियो नेशनल पार्क, थर्ड वन इज लोकतक लेक। चार ऑप्शन दे रखे हैं, ए वन ओनली, बी टू एंड थ्री ओनली, सी ऑल ऑफ द अबव, डी थ्री ओनली। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आप सोचिए, इसका आंसर है बी टू एंड थ्री ओनली। चिल्का लेक पहले मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में था, अब नहीं है। मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड का मतलब ये है जिसमें चेंजेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं बहुत जल्दी जल्दी, तो उनको प्रोटेक्ट करने की बहुत जरूरत है। तो लोकतक लेक जो मणिपुर में है, क्यूलादियो नेशनल पार्क जो राजस्थान में है, इन दोनों में चेंजेस बहुत जल्दी जल्दी हो रहे हैं, इसकी वजह से ये मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में रखे गए हैं। इंडिया में सिर्फ दो ही साइट्स ऐसी है जो मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में है, क्यूलादियो नेशनल पार्क, लोकतक लेक। आई होप आप ये चीज याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स ये यहाँ पर हमारी मेन चीजें खत्म हो गई हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा ये लेक्चर खत्म हो गया है। कुछ कुछ रामसार साइट्स रह गई हैं, जैसे भीतरगांव नेशनल पार्क है, जैसे भीतरकनिका नेशनल पार्क है, उसके बाद एक हरिके वेटलैंड है। हरिके वेटलैंड जो है वो पंजाब में है। तो ये चीजें आपको याद रखनी होंगी। तो मैं रिपीट कराना चाहूंगा कि 27 वेटलैंड्स हैं, उन 27 वेटलैंड्स के सबके नाम आप याद रखें और सबकी लोकेशन याद रखें, ये चीज एग्जाम में आ सकती है। मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट सारे ही हमने कवर कर लिए हैं, 27 वेटलैंड्स, मे बी दो तीन वेटलैंड्स रह सकते हैं, तो जरूर आप याद रखें कि उनको भी कवर कर लें। तो फ्रेंड्स ये था रामसार साइट से रिलेटेड हमारा लेक्चर। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और SYE Academy को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।